नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल यूके 24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। आज ठंड में इजाफा, जाने अपने शहर में मौसम का हाल। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला बदला रहने लगा है। राज्य में आज मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के मुताबिक आज उत्तराखंड के जनपदों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन दीपावली के बाद से राज्य में ठंड का प्रकोप सुबह शाम और रात को लगातार बढ़ता जा रहा है। मैदानी क्षेत्रों में सुबह और शाम में ठंड बढ़ रही है, लोगों ने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं। वहीं पर्वतीय इलाकों में भी तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। गौरव के प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल ली है। उधर मौसम विभाग ने राजधानी देहरादून में मौसम साफ रहने का अनुमान जताया है। वहीं प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में सुबह हल्का कुहासा छा सकता है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश का आज अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। राजधानी देहरादून में आज महंगा हुआ पेट्रोल डीजल, जाने अपने शहर में रेट। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए। डीजल की बात करें तो आज डीजल के दाम है 86 रुपए 73 पैसे। वहीं हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपए 16 पैसे। वहीं डीजल के दाम है 86 रुपए 45 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपए 45 पैसे। वहीं डीजल के दाम है 86 रुपए 80 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपए 27 पैसे। वहीं डीजल के दाम है 86 रुपए 60 पैसे। जाने आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में बैठकों और रैलियों का दौर भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उधम सिंह नगर के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। आज पहले नड्डा चमोली जाएंगे, फिर अल्मोड़ा जाएंगे, उसके बाद रुद्रपुर के लिए रवाना होंगे। शहीद सम्मान यात्रा में शामिल होंगे नड्डा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। 11 बजे देहरादून से चमोली के लिए रवाना होंगे। यहां वह सैनिक सम्मान यात्रा का शुभारंभ करेंगे। इगास पर अवकाश। उत्तराखंड में आज इगास पर्व पर अवकाश रहेगा। प्रदेश के समस्त शासकीय अशासकीय कार्यालयों, शैक्षणिक शासकीय अशासकीय कार्यालयों, शैक्षणिक संस्था विद्यालयों में अवकाश रहेगा, जबकि बैंक कोषागार और उपकोषागारों में छुट्टी नहीं होगी। किसान संकल्प यात्रा में शामिल होंगे भगवंत मान। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान किसान संकल्प यात्रा में शामिल होंगे। किसान संकल्प यात्रा आज जसपुर से शुरू होकर खटीमा तक जाएगी। इससे पहले सुबह 9:30 बजे रामनगर रोड स्थित पार्टी कार्यालय में घोषणा पत्र का विमोचन किया जाएगा। उसके बाद जसपुर और फिर काशीपुर में रोड शो आयोजित कर यात्रा आगे के लिए प्रस्थान करेगी। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल के रानी कमलपति रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। यह रेलवे स्टेशन विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस किया गया है। जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम भोपाल के जम्बूरी मैदान में आयोजित होगा। इस दौरान पीएम मोदी महासम्मेलन को संबोधित करेंगे। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया जाएगा। प्रियंका गांधी का मुरादाबाद दौरा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज मुरादाबाद दौरे पर रहेंगे, जहां वे कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। मुरादाबाद में पार्टी के 5000 प्रशिक्षित कार्यकर्ता शामिल होंगे। बीजेपी का हरीश रावत पर हमला करना उनकी हताशा बता रहा है। कांग्रेस बेरोजगारी चौपाल में बोले देवेंद्र यादव। कांग्रेस उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में अपनी खोई हुई जमीन पाने की कोशिश में जुटी है, ताकि आगामी चुनाव वो मजबूती के साथ लड़ सके और 5 सालों के बाद दोबारा से सत्ता पर काबिज हो सके। यही कारण है कि इन दिनों उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने नेतृत्व में कांग्रेसी बेरोजगारी चौपाल का आयोजन कर रहे हैं। बागेश्वर में भी देवेंद्र यादव ने बेरोजगारी चौपाल का कार्यक्रम रखा था। हल्द्वानी का पॉलिनेटर पार्क, तितलियों और पक्षियों की रंग बिरंगी दुनिया। हल्द्वानी का अनुसंधान केंद्र अपनी कई उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर कई दुर्लभ वनस्पतियों के साथ साथ जड़ी बूटियों का संरक्षण करने का भी काम किया जा रहा है। इसी के तहत अनुसंधान केंद्र में बनाए गए पॉलिनेटर पार्क विकसित किया गया है, जहाँ परागण करने वाले जीव जंतु, पक्षियों, तितली, कीट पतंगों प्राकृतिक वास स्थल तैयार किया गया है। हरक सिंह का हरीश रावत के लिए सॉफ्ट कॉर्नर, अपनी ही पार्टी के रणनीतिकारों को दे डाली सलाह। उत्तराखंड में चुनाव से पहले भाजपा के रणनीतिकारों को पार्टी के ही कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने गुरु ज्ञान दे दिया है। हरक सिंह रावत ने हरीश रावत को पार्टी स्तर से निशाना बनाए जाने को गलत करार दिया है और इस पर रणनीतिक रूप से अपनी सलाह भी दी है। हरीश रावत ने सरकार से मांगी मंगसीर इगास की छुट्टी, रोजगार के मुद्दे पर सरकार को ललकारा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा पर अवकाश पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। हरीश रावत ने कहा कि सरकार ने इगास की छुट्टी दी है, जो अच्छी बात है, लेकिन भाजपा इसका राजनीतिकरण कर रही है, यह ठीक नहीं है।
बीजेपी के स्टार प्रचारकों पर भारी पड़ेंगे कांग्रेस के ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हरीश रावत। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर श्यामपुर में चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चौपाल कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी शिरकत की। इस दौरान हरीश रावत ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए साफ कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा का सूपड़ा साफ होने वाला है और कांग्रेस की सरकार आने वाली है। हरीश रावत ने कहा कि भाजपा के स्टार प्रचारकों पर कांग्रेस के ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार भारी रहेंगे। इगास पर जमकर नाचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, परोसे गए पहाड़ी व्यंजन। मसूरी में इगास के मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी लोक गीतों पर जमकर नाचे। लोक कलाकारों ने भी पारंपरिक वेशभूषा में शानदार प्रस्तुतियां दी, वहीं पहाड़ी व्यंजन भी परोसे गए। सितारगंज सीएम धामी के 68 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास लोकार्पण। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सितारगंज में 68.8 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। इसके अलावा सीएम ने बहुप्रतीक्षित शक्ति फार्म सिरसा मार्ग रोड का लोकार्पण कर आम जनता को रोड समर्पित की। संजीवारे के कार्यक्रम में युवती का हंगामा, यूथ कांग्रेस नेता पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। पूर्व विधायक संजीव आर्य कांग्रेस में शामिल होने के बाद नैनीताल पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं जिस समय संजीव आर्य की पार्टी में भव्य स्वागत किया जा रहा था, उसी समय एक युवती ने यूथ कांग्रेस के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पवन जाटव के ऊपर उत्पीड़न और प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए मंच तक जहां पहुंची, जहां युवती ने मंच पर जमकर हंगामा किया। उसने कहा कि उसके पारिवारिक मामलों पर यूथ कांग्रेस का पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पवन जाटव हस्तक्षेप कर रहा है, जिस वजह से कुछ दिन पूर्व उसके भाई द्वारा आत्महत्या करने का कदम उठाया गया। आईएमए की परेड रिहर्सल को लेकर देहरादून में रूट डाइवर्स प्लान देखकर निकले। आईएमए परेड के रिहर्सल कार्यक्रम के दौरान 16 नवंबर को दोपहर 2:30 बजे से शाम 6 बजे तक यातायात डाइवर्ट रहेगा, जिसको लेकर डाइवर्जन प्लान जारी किया गया है। डाइवर्जन प्लान के हिसाब से देहरादून से बलूपुर चौक होते हुए सभी भारी और चार पहिया वाहनों को विकास नगर, प्रेम नगर, सेलाकुई जाना है। काशीपुर निजी हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ का शव मिला, परिजनों ने मौत को साजिश बताया। काशीपुर के एक निजी हॉस्पिटल में एक नर्सिंग स्टाफ के संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर मौत के कारणों की जांच शुरू कर दी है। वहीं परिजनों ने मौत को साजिश करार दिया है। टिहरी में 3 दिवसीय खेल महाकुंभ का आयोजन, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे खिलाड़ी। टिहरी के नरेंद्र नगर स्थित राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज के खेल मैदान में 3 दिवसीय खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बच्चे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। नाबालिग को प्यार के झांसे में लेकर किया दुष्कर्म, आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। काशीपुर में एक युवक ने एक नाबालिग से दोस्ती कर उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया, जिसके बाद उसने पीड़िता के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया। साथ ही पीड़िता का अश्लील वीडियो बनाकर उसे फर्जी फेसबुक आईडी पर अपलोड कर दिया। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। डीएम कार्यालय में धरने पर बैठी एएनएम कर्मी, स्वास्थ्य विभाग पर लगाया शोषण का आरोप। रुद्रप्रयाग में एएनएम स्वास्थ्य कर्मियों ने डीएम कार्यालय में धरना शुरू कर दिया है। एएनएम कर्मियों ने स्वास्थ्य विभाग पर शोषण का आरोप लगाया। उनका कहना है कि कोविड महामारी में ड्यूटी देने के बावजूद उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ट्रक चोर गिरोह का भंडाफोड़, चोरी के 2 ट्रक के साथ शातिर गिरफ्तार। लालकों कोतवाली पुलिस ने अंतर्राज्यीय ट्रक चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी के 2 ट्रक भी बरामद किए हैं, जबकि गिरोह के 3 सदस्य अभी भी फरार चल रहे हैं। हरीश रावत में चुनाव लड़ने का नैतिक साहस नहीं, मैदान में उतरने से डर रहे हरदा, अजय भट्ट का तंज। उत्तराखंड विधानसभा 2022 नजदीक है तो प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी नेता एक दूसरे पर तंज कसने से पीछे नहीं हट रहे। सत्ताधारी दल बीजेपी जहां कांग्रेसियों को आईना दिखा रहे हैं, तो वहीं विपक्ष बीजेपी की कमियां गिना रहे हैं। हल्द्वानी में बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने हरीश रावत के दावों पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि हरीश रावत में चुनाव लड़ने का नैतिक साहस नहीं है, क्योंकि वे पिछले चुनाव लड़कर परिणाम देख चुके हैं। आज से 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर जेपी नड्डा चमोली में शहीद सम्मान यात्रा में होंगे शामिल। कांग्रेस ने दी अवैध खनन बंद नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी, मंत्री यतीश्वरानंद को बताया खनन वाला बाबा। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बचा हुआ है, ऐसे विपक्षी पार्टियां सरकार की कमियों को तलाश कर मुद्दे बना रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष राजीव चौधरी ने हरिद्वार गंगा की सहायक नदियों में हो रहे अवैध खनन को लेकर हरिद्वार ग्रामीण विधायक स्वामी यतीश्वरानंद और सीएम पुष्कर सिंह धामी अवैध खनन को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। टी20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बना ऑस्ट्रेलिया, मार्च की तूफानी पारी, न्यूजीलैंड को फिर मायूसी।
मिशेल मार्श के 50 गेंद में नाबाद 77 रन और डेविड वार्नर के अर्धशतक की मदद से वनडे क्रिकेट में 5 बार की विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर पहली बार टी20 विश्व कप जीत लिया। देहरादून में धूमधाम से मनाया गया इगास, मंत्री हरक सिंह रावत पर आया देवता। देहरादून के रायपुर विधानसभा में विधायक उमेश शर्मा काऊ द्वारा इगास पर्व का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह, सीएम धामी, सांसद अनिल बलूनी ने शिरकत की। इस दौरान हरक सिंह रावत पर देवता भी आया। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।